तो हे गाइस, स्पार्की हियर एंड भाई आज मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स। पहली अपडेट निकल कर आती है बीजीएमआई के बैन के रिलेटेड। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि भाई 2020 में पबजी बैन हुआ था एंड उसके रीजंस क्लियर थे क्योंकि उसके सर्वर्स थे चाइना में एंड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का सीन हुआ था। लेकिन उसके बाद क्राफ्टन ने बीजीएमआई को इंडिया में वापस से लॉन्च किया था एंड उस टाइम पर गेम डेवलपर्स को ये मेक श्योर करना चाहिए था कि कोई भी सर्वर या कोई भी कनेक्शन चाइना से ना हो ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो कि पबजी मोबाइल के टाइम पर आई थी। एंड अगर डेवलपर्स ये चीज का ध्यान रखते तो आज हमको ये बैन एंड अनबैन वाला सीन देखने को नहीं मिलता। एंड इसके बारे बात करते हुए घातक भाई ने ये कहा, पब्लिशर डेवलपर अगर ढंग से अगर इंडिया में आके ढंग से काम करेंगे तो सारी चीजें ढंग से ही होगी। ठीक है, लास्ट टाइम जब गेम बैन हुआ था और उसके बाद जब गेम आया, ठीक है, तो उसी के बाद अगर ये ढंग से काम करते तो आई थिंक आज गेम नहीं जाता। इन लोगों ने ऑफिस भी अभी सेट किया रिसेंटली, ठीक है, थोड़ा अगर एम्प्लॉयमेंट लाते इंडिया में वो टाइम पे इतना पैसा अगर कहीं क्या कौन से जगह पे इन्वेस्ट किया यार, मेरे को तो समझ में नहीं आता यार। गेम स्पोर्ट्स में भाई इंडिया में स्पोर्ट्स बड़ा करना है तो भाई पहले उसका बेस मजबूत करो ना। किसी को भी पैसे इसको पैसे देके क्या फायदा है, मतलब आई डोंट नो कि कैसे स्पोर्ट्स और गेमिंग का सीन मतलब एक इंडिविजुअल गेम आगे बढ़ी, मेरे को तो समझ में नहीं आता चीज। और गाइस बीजीएमआई बैन के रिलेटेड एक थोड़ी फनी भी अपडेट है। अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट पर बीजीएमआई को कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती थी तो वो 10 या फिर कुछ सालों के लिए उसके अकाउंट को सस्पेंड कर देते थे। एंड वैसे ही हुआ एक प्लेयर के साथ में जिनका नाम है आईजी मिस्टर सिंगल, उनके अकाउंट को बीजीएमआई ने सस्पेंड कर दिया था फॉर 10 ईयर्स। एंड गाइस लास्ट 175 डेज से वो हर रोज ट्विटर पर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को टैग करके ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट को अनबैन करो, मतलब भाई गेम ही नहीं है तो फिर आईडी का क्या करेंगे। एंड इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए मैक्सटर्न ने ये कहा, पहले गेम को ही अनबैन होने दे भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन। सोल के रिलेटेड BMWI में टीम सोल का हमको 2 मैप्स के ऊपर ड्रॉप क्लैश देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि मीरामार में हमको पिकाडो में बॉक्स गेमिंग एंड DWGB आते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर हम सहनो की बात करें तो टीम सोल के साथ में एक प्लेयर DWG का एंड 2 प्लेयर्स वैम्पायर ई-स्पोर्ट के आते हुए दिख रहे हैं। तो भाई लेट्स सी अब हमको टीम सोल इनके साथ ड्रॉप क्लैश करते हुए दिखेगी या फिर कोई नए ड्रॉप पर दिखेगी। और गाइस अगर ड्रॉप क्लैश होता है तो भाई दोनों या फिर जितने भी टीम वहां पर आएगी सबको ही नुकसान होने वाला है क्योंकि हर एक मैच की अपनी एक बड़ी वैल्यू है एंड कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि उसका कोई भी एक गेम खराब जाए। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं PMWI वॉच पार्टी के रिलेटेड। तो जैसे कि हमको कल एंड परसों ये न्यूज सुनने को मिली थी कि अब PMWI की भी वॉच पार्टी हमको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी, बट इसके रिलेटेड नियो भाई ने एक स्टोरी डालकर कहा, नो वॉच पार्टी, गॉड लाइक है तो सब पॉसिबल है। एंड भाई साथ ही में उन्होंने एक टाइमिंग भी सेट कर दिया है इंस्टाग्राम पर, मींस वो 5 आवर बाद जब PMWI के मैचेस स्टार्ट होने वाले तो वॉच पार्टी करने वाले हैं। हिंदी कास्टिंग इस बार PMWI में नहीं हो रही है सो फाइनली हमको कुछ तो मजा देखने को मिलेगा। वैसे आप क्या इंग्लिश में PMWI की कमेंट्री देखने वाले हो या फिर नियो भाई की वॉच पार्टी देखने वाले हो, मेरे को कमेंट्स में बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है जियो के रिलेटेड। तो प्रीवियस एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जहां पर बहुत जल्दी हमको जियो भी ई स्पोर्ट्स में देखने को मिलने वाला है एंड इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है जहां पर रिलायंस जियो ने लॉन्च कर दिया है जियो गेम्स वॉच, उनका खुद का एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो कि काफी सिमिलर है ट्विच से। एंड इस पर काफी सारे गेम्स की हमको लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, मैक्स, GTA 5 एंड मेनी मोर। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है ST एक्शन की तरफ से। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंडर माना जा रहा है कि वो हमको PMWI के टॉप MVPs में देखने को मिल सकते हैं। एंड उनको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उनके पर्सनल फेवरेट कौन से प्लेयर्स हैं, तो उनके रिप्लाई को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। Who is your best favorite player from India? Flashguard and what? You don't like Neo? Yeah. Oh yeah, I like him. Sorry. Yeah. गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है K18 के रिलेटेड। तो क्या K18 SA12 को लीव करने वाले हैं, इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए मर्सी भाई ने ये कहा, लीविंग कहाँ लीव कर रहे हो, लीव कर रहे हैं बोला क्या, कुछ ऐसा कुछ लीव नहीं कर रहा गाइस, अभी भी वो कितना ही तरी है, क्यों लीव करेगा, मतलब रीजन क्या है, कर भी सकते नहीं करेगा भाई ना, कर रहे क्या। गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है आईफ्लिक की तरफ से। तो उनकी लाइव स्ट्रीम में किसी ने उनसे पूछा कि क्या वो स्टिल हैदराबाद हैदराज के कोच हैं या फिर वो हमको दिखने वाले किसी और भी न्यू और के साथ में। करंटली मैं कोई टीम का ऐसे कोच बना नहीं हूं, मैं अभी वेट कर रहा हूं कि परे पता चले, यू नो सीन क्या पता चलने दो यार, वो पता नहीं है। और वही सही होगा ना यार, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों अपना पैसा खर्चा करा के मेरे को टी कोच अभी बना दूं, जब उनको पता चले कि भाई बीजीएमआई आ रहा है 100% तो तुरंत मेरे को बाग बाग के आ जाएंगे भाई, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे भाई, हाँ चलो अभी इसके ऊपर भाई 2-2 लाख डाल देते भाई, 2 लाख की पगार देके भाई हम आईपीएस को लाएंगे, फिर टीम को ऊपर कराएंगे, एकदम मस्त एकदम ओपी कराएंगे, यू नो
और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है केमिन ईस्पोर्ट के रिलेटेड, जिसके रिलेटेड एक लीक निकल कर आया है जहाँ पर केमिन ईस्पोर्ट हमको फ्यूचर में किसी और कंट्री में देखने को मिल सकती है। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है ओशन शर्मा की तरफ से, तो उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला चाहे बच्चों को ना पता हो लेकिन एमवीपी का फॉर्मूला बीजेएमआई में जरूर पता होगा। एंड इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए मैक्सटन कहे एमवीपी बोले तो जोनाथन। वैसे गाइस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड वैसे आपका एमवीपी फॉर्मूला क्या है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, तब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।